गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार बहुत ठंड पड़ रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है जरा सी भी। टाइम हो रहा है 12:30, 1 बजे की मेरी मीटिंग थी, लेट हो गया निकलते निकलते। ये जो पेंटिंग है ना नोएडा के पिलरों पे, जितने भी पुल हैं इसके, जितने भी पिलर्स हैं ना, सब पे पेंटिंग बना रखी है। बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये रात को तो लाइट जलने के बाद ओ हो लाजवाब भाई, मजा आ जाता है। आज धुंध कितनी है भाई साहब, बहुत ज्यादा धुंध है आज तो। ठंड भी तो कैडी पड़ रही है। PNTC जब आते ना तो ऊपर लग रहा है जाम। मैंने लिया थोड़ा सा शॉर्टकट, यहाँ पे भी अगर जाम मिला तो भाई किस्मत में ही और लेट पहुँचना लिखा है। 1 बजे की मीटिंग थी, 1 यहीं बच चुका है। खुशी। क्लाइंट भी फंसा हुआ है जाम में, यस। वो भी कह रहा है भाई मैं 1:30 बजे तक पहुंचूंगा और हम भी 1:30 बजे तक पहुंचेंगे। मजा आ गया भाई। ये होता है जब किस्मत आपके साथ हो और किस्मत आपका साथ दे। किस्मत साथ हो और किस्मत साथ दे, बात तो एक ही है ना। खैर जो भी है, पर किस्मत ने हमारा साथ तो पूरा दिया है भाई। A few moments later. बहुत ठंड है यार बाहर, कप कप ही छूट रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई बाहर। कैसे करके मानेगा, बर्फ कहाँ गिर रही है, मनाली में गिर रही है कि शिमला में गिर रही है बर्फ। मैं मम्मी से ना फोन पे बात कर रही थी, तो देवांश मम्मी के पास ही खड़ा था, तो मैंने ऐसे मम्मी को बोला, मम्मी देवांश मैंने कहा यहीं पे मेरे पास। अच्छा, तो मैंने ना देवांश को ना मजाक में से बोल दिया, गधा गधा तू गधा है। कह रहा अच्छा अभी रुको, अभी मैं फूफा को फोन करके बताता हूँ, वो तुम्हें बताएंगे अभी। तो मैंने बोला अच्छा एक बात बता देवांश, तुमने ब्लॉग नहीं बनाया आज का। कह रहा ब्लॉग, अरे बुआ मैं भूल गया, अभी रुको दादी टाइम क्या हुआ है, दादी टाइम क्या हुआ, टाइम बताना जरा। उसने वो वाली चीज पकड़ ली, वेलकम टू चैनल का टाइम हुआ है ये। टाइम जब तो आई थिंक उसने कुछ रिकॉर्ड किया होगा। और आजकल तो पता क्या, वो चीकू और परी दोनों को ना रिकॉर्ड करता है, उनके बारे में भी बताता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, चीकू भी क्या कर रहा है। धीरे धीरे एक स्पोर्ट बन रहा है। एक वीडियो में ऐसा कर रहा है, अरे चीकू चीकू तो ये बर्फी मार रहा है, बर्फी। तो उसे खुद भी नहीं पता, बट वो इस तरीके से बात कर रहा है। तो अच्छा है, देखते हैं आज हम क्या बनाया है उसने। आज जा रहे हैं हम वहीं पे, देखते हैं आज क्या ब्लॉगिंग करता है। कुछ करियोगे तो दिखाऊंगा आपको। We'll grow in number, few birth, I'm to see the hurt. इधर से मैं इसीलिए आया कि यहाँ से जाम नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा जाम तो इधर ही लगा हुआ है। सुनंदा ये तो मोए मोए हो गया, मोए मोए। सुनंदा के ऑफिस वालों ने ना इसकी जान खा रखी है, इसे ना छुट्टी नहीं रहता, ऑफिस से निकलने के बाद भी ना इसके पीछे पड़े रहते हैं। मैंने तो इसको कहा एक दिन ये अपना बोरिया बिस्तर ले जा, वहीं रात को सो जाया कर, बजाई बजाई गद्दा वद्दा लगा के सुबह उठ और वहीं बैठ जा, टाइम से भी पहुंच जाएगी और सारा काम हो जाएगा। देखो अभी भी लगी पड़ी है। दिख रही है तुम्हें, हैं? ये बिल्डिंग भी रातों रात में ऐसी बन के तैयार हो जाएगी और हम कहेंगे अरे ये कब तैयार हो गई, ये कहाँ से आ गई। बहुत देर में जाके ये रेड से ग्रीन हुई है, रेड लाइट पे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे या फिर से रुकना पड़ेगा। चल 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 गोलगप्पे चल, चल चल गोलगप्पे चल। Till I get up, time is barely on our side. छोटे ब्लॉगर है, छोटे ब्लॉगर क्या ब्लॉगिंग कर रहे हो तुम? इधर आए, इधर यो यो हनी ब्रो, शुरू हो गया तेरा दोबारा से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, क्या कर रहे हो तुम? बल्लेबाज, ओ बल्लेबाज। मार दे ऐसे भी मार देगा, ऑटो ऑटो ला दे 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 दे। ये देखो बैटिंग कर रहा है, बैटिंग दे। बाबू खिला देना उसको। हाँ बेटा, हाँ बेटा, खाना इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा तो खिला इसको।
दे दे बाबू थोड़ा सा खिला देना उसको, बाबू खिला दे दीवान से उसको थोड़ा सा, छीनना नहीं है, छीनना नहीं है, चम्मची पकड़ ली, चम्मची पकड़ ली, हाँ बेटा नहीं जा ये देखो गिटार बजा रहा है बेटा स्कार्फ कैसा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ना, बताओ कैसा लग रहा है यार आप लोगों को, ठीक लग रहा है, सुनंदा का मांगा हुआ है, रेंट पे लिया मैंने सुनंदा से रेंट पे, पहले ना यहाँ पे बैरियर लगा रखे थे तो जिसको इस रोड से सीधा जाना है तो वो इस रोड पे साइड से आ जाता था और फटाफट फटाफट सीधा निकल जाता था, अब बैरियर ना यहाँ से बैरियर हटा दिए हैं, अब सारा ट्रैफिक जिन्हें आगे से मुड़ना है ना वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके मुड़ रहा है, तो यहाँ लग रहा है ट्रैफिक जाम, मेरे हिसाब से तो बैरियर दोबारा से लगा देने चाहिए इनको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।